हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जान भूषण से धोखा खाकर अपनी जान लेने की कोशिश करता है, जिसे बचाने के लिए यीबो और डॉक्टर दोनों ही अपनी एनर्जीज जान को ट्रांसफ़र करने का सोचते हैं। यीबो डॉक्टर का कंफ्यूजन दूर करता है ये कहकर कि वो ही जान का मेट है और जान के साथ पास्ट में किए गए अपने बैड बिहेवियर के लिए गिल्टी फील करता है। यीबो और डॉक्टर दोनों अपनी एनर्जीज जान को ट्रांसफ़र करने लगते हैं और 5 मिनट के कॉन्सेंट्रेशन के बाद दोनों रुक जाते हैं। जान का घाव अभी भी नहीं भरा था, वो एक रेयर एम्फोसबीना था, तो उसकी मेडिसिन भी एक तरह के रेयर हर्ब से बनती थी। डॉक्टर ये यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि उनके किंग एम्फोसबीना खुद को उस खंजर से मारने की कोशिश करेंगे जो वुल्फ को मारने के लिए बनाया था। यीबो से सारी बात जानकर डॉक्टर को समझ आ गया था कि इस बार अपने बेटे से दुख और दर्द को पाकर ये एम्फोसबीना उसे संभाल नहीं पाया और ये सब हुआ। ऐसा कुछ भी दोबारा नहीं होना चाहिए, अगली बार मैं भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा किंग लाइकन, और आपको पता है कि अब क्या करना है। योर मजिस्ट्री का बैंडेज बार बार बदलते रहना जब तक उनका घाव नहीं भर जाता, और अपनी एनर्जी हर 3 घंटे में ट्रांसफ़र करना। दवाइयाँ कल से स्टार्ट होंगी, ये इंस्ट्रक्शंस देकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। वॉन्ग यीबो जान के साथ उस कमरे में अकेला रह जाता है। जल्दी ठीक हो जाओ, तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रहा होगा, यीबो ये कहते हुए जान के फोरहेड पर किस करके कमरे से बाहर चला जाता है, जहाँ उस कमरे के बाहर जिनशा और शुयंग उसे खड़े मिलते हैं। भाई, अब तुम्हें वापस चले जाना चाहिए, मैं एम्फोसबीना के ठीक होने के बाद ही वापस आऊँगा, यीबो शुयंग से कहता है। शुयंग हाँ में सिर हिलाकर वहाँ से चला जाता है। फिर यीबो जिनशा से कहता है कि वो एम्फोसबीना के बेटे से मिलना चाहता है, जिस पर जिनशा हाँ में सिर हिलाकर लाइकन को वुशन के कमरे की तरफ ले जाता है। यीबो का दिल एक दर्द महसूस करता है जब उसे वुशन के रोने की आवाज़ आती है। अब मुझे चलना चाहिए लाइकन, कोई भी उसे शांत नहीं करा पाया, वो लगातार खुद को दोष दे रहा है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, जिनशा ये कहकर वहाँ से चला जाता है। वॉन्ग यीबो जब दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि वुशन कमरे के कोने में अपने घुटनों में अपना मुंह छुपाए रो रहा था। चले जाओ, मैं किसी से नहीं मिलना चाहता, वुशन रोते हुए चिल्ला कर कहता है। यीबो उसके पास जाकर अपने घुटनों के बल बैठकर वुशन के बालों में अपना हाथ फेरते हुए कहता है, ये मैं हूँ बेटा, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे पास, अब और रोने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। यीबो की सॉफ्ट वॉइस सुनकर वुशन अपनी नज़र ऊपर करके जब यीबो को देखता है तो उछलकर उसे गले लगा लेता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। डैडी, मुझे लगा कि आप मुझे अकेला छोड़ गए, वुशन को बहुत फिक्र हो रही थी, वुशन आज से एक अच्छा बच्चा बनेगा, वुशन कोई परेशानी खड़ी नहीं करेगा, वो हमेशा अपनी मॉम की बात सुनेगा, वुशन रोते हुए कहता है। यीबो अपने बेटे को और कस के गले लगाते हुए उसके बालों पर किस करता है, फिर अपनी आंखें बंद करके उस पल को इंजॉय करता है, क्योंकि वो बच्चा जो उसकी बाहों में था वो उसका अपना बेटा था, जिसे वो नफरत करता था और मारने की कोशिश भी की थी। अब रोना बंद करो, मॉम आराम कर रहे हैं और अब तुम्हें भी आराम करना चाहिए, यीबो की बात सुनकर वुशन हाँ में सिर हिला देता है और थोड़ी ही देर में वो सो जाता है। यीबो अपने बेटे के कपड़े बदलकर उसे साफ करके उसके पास ही लेट जाता है। वुशन अपने छोटे छोटे हाथों को यीबो के नेक के अराउंड लपेट लेता है। ये फीलिंग यीबो के लिए बहुत अलग थी, वो वुशन को देखकर मुस्कुराने लगता है और उसकी पीठ को थपथपाता है। वुशन जब घंटों बाद सोकर उठता है तो खुद को अपनी मॉम के पास सोया हुआ पाता है। वो उठकर अपनी मॉम का हाथ टच करता है। मॉम, उठो ना, वुशन यहाँ है, आप कुछ कहो तो, क्या आप अभी भी मुझसे नाराज़ हो, मॉम प्लीज़ मुझसे बात करो, वुशन जान को आवाज़ देते हुए रोने लगता है जब उसे अपनी मॉम से कोई जवाब नहीं मिलता। अब तक शाम के 6 बज चुके थे। यीबो जब कमरे में वापस आता है तो वुशन को रोते हुए अपनी मॉम को आवाज़ लगाते हुए देखता है। बेबी,
अगर तुम ऐसे ही रोते रहे तो तुम्हारी मॉम को बुरा लगेगा। अब आओ खाना खा लो, जिससे तुम्हें एनर्जी मिलेगी और तुम अपनी मॉम का ख्याल रख पाओगे जब तक उन्हें होश नहीं आ जाता। ये कहकर यीबो वुशियन को अपने गोद में बिठाकर खाना खिलाने लगता है। ये बहुत अच्छी बात थी कि वुशियन भी यीबो की तरह ही पका और कच्चा दोनों तरह का खाना खा सकता था। डैडी, मॉम कब तक उठेंगे? वुशियन पूछता है। बहुत जल्द बेटा, यीबो जवाब देता है। यीबो को अब एम्फोसबीना किंगडम में रहते हुए 2 हफ्ते हो चुके थे। उनका डेली रूटीन फिक्स था, जान को एनर्जी ट्रांसफ़र करना, उसको मेडिसिन टाइम पर देना और उसके साथ हमेशा बहुत सारी बातें करते रहना ताकि जान की हेल्थ इम्प्रूव हो सके। जान के घाव अब तक भर चुके थे, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि अब किंग का दिल पहले जैसा नहीं रहेगा क्योंकि उनका घाव बहुत सीवियर और डीप था और अब ऐसा लगता है वो खुद ही उठना नहीं चाहते। पर अब सब उन पर ही निर्भर करता है कि वो कब सच्चाई को अपनाकर उसका सामना करने के लिए तैयार होते हैं और जीने का मन बनाते हैं, वो तभी उठेंगे। इसलिए यीबो और वुशियन ने हमेशा जान से बातें करना जारी रखा ताकि उसे हिम्मत मिले और वो होश में आ जाए। आज भी रोज़ की तरह यीबो और वुशियन सुबह 6 बजे उठ चुके थे। यीबो ने जान को अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करनी शुरू कर दी थी और वुशियन अपनी मॉम की मेडिसिन और टॉनिक बनाने गया था। जब तक वुशियन मेडिसिन लेकर आया, यीबो जान को क्लीन करके कपड़े चेंज कर चुका था। वुशियन मेडिसिन और टॉनिक की ट्रे वहीं बेड के पास टेबल पर रख देता है। यीबो जान को केयरफुली बिठाता है, फिर जान का सिर अपने चेस्ट पर रखता है। वो दोनों जानते थे कि जान इम्प्रूव कर रहा है। उसने अभी तक अपनी आंखें नहीं खोली थी, लेकिन उसे जो भी दिया जाता था वो आसानी से निगल लिया करता था और हर चीज़ पर रिस्पॉन्स करता था। आज तुम्हारे बेटे ने तुम्हारी पिक्चर ड्रॉ की है, जब तुम उठोगे ये देखकर तुम्हें अच्छा लगेगा, यीबो स्माइल करते हुए कहता है, जिसे सुनकर जान थोड़ा सा हिलता है। यीबो और वुशियन दोनों ही जान का ये रिएक्शन देख पाए थे कि तभी अचानक जान उठकर अपनी आंखें खोलकर सीधा बैठ जाता है और उसकी बॉडी से एक एनर्जी तेज रोशनी के साथ निकलती है, जिसकी वजह से यीबो और वुशियन दूर जाकर गिरते हैं। बेबी, क्या तुम ठीक हो? यीबो अपने बेटे की तरफ भागकर आते हुए पूछता है और उसे खड़ा करने में मदद करता है। मैं ठीक हूँ डैडी, वुशियन ये कहकर अपनी मॉम की तरफ देखता है जो बिना हिले डुले सीधा बैठा हुआ था। मॉम, वुशियन ये चिल्लाते हुए जैसे ही जान की तरफ भागता है, जान की आंखें लाल हो जाती है और ग्रॉल करते हुए वुशियन की तरफ देखकर कहता है, मेरे पास मत आना। जान की आवाज इतनी तेज थी कि वुशियन पीछे की तरफ खिसक जाता है। यीबो जो अपने बेटे को पकड़ने की कोशिश करता है, अपने बेटे के साथ ही वो भी पीछे की तरफ चला जाता है। वुशियन अपनी मॉम की बात सुनकर रोने लगता है और कहता है, डैडी मॉम अब मुझे नहीं चाहते। अपने बेटे को रोता देख यीबो उसे गले लगा लेता है। इससे पहले कि यीबो कुछ कह पाता या करता, कमरे का दरवाजा खुलता है और जिनशा और वेन्नी दोनों साथ वहां आ जाते हैं। योर मैजिस्ट्री, आप उठ गए? ये कहते हुए जिनशा बैठे हुए जान के करीब जाता है। जान अपने बेड से उठकर जैसे ही जिनशा और वेनिंग को देखता है, उसकी आंखों का रंग नॉर्मल हो जाता है। मैं उठ गया हूँ और ठीक हूँ, अब तुम दोनों जा सकते हो, मैं तुमसे और वेनिंग से बाद में बात करूँगा, जान एक कमांडिंग वॉइस में कहता है। उन दोनों के जाते ही जान शीशे में खुद को देखते हुए अपने बालों में एक बन बनाता है। यीबो चुपचाप जान के हर मूवमेंट को देख रहा था। तुम दोनों इतने दिनों से मेरी देखभाल कर रहे थे, जिस वजह से मैं अब ठीक हूँ, जान फाइनली यीबो की तरफ देखकर कहता है। ऐसा कुछ नहीं है एम्फोसबीना, लेकिन तुम अब कैसा महसूस कर रहे हो? तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहुत फिक्र कर रहा था, वो हर वक्त तुम्हारे पास था, वो तुम्हारे जागने का वेट कर रहा था और अब वो बहुत खुश है। यीबो ये कहते हुए वुशियन को जान के पास जाने का कहता है, जो उसके सामने अपने चेयर पर बैठा था। वुशियन
अपनी मॉम के सामने अपना सिर झुकाए खड़ा हो जाता है। जान चकल करते हुए वुशियन का चेहरा ऊपर उठाकर उससे नजरें मिलाता है। क्या तुम्हें सच में मेरे लिए फिक्र हो रही थी वुशियन? जान अपने बेटे से पूछता है। यस मॉम, और मैंने आपको मिस भी किया। आई एम सॉरी मॉम, ये सब मेरी गलती थी कि आप इतने लंबे समय तक सोते रहे। मेरी वजह से मेरा बर्थडे एक डिजास्टर बन गया। ये कहते हुए वुशियन की आंखों से आंसू आने लगते हैं। तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी सिंपथी नहीं चाहिए। तुम्हारा सो कॉल्ड फादर तुम्हारे लिए मुझसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आज के बाद मैं तुम दोनों की शक्ल नहीं देखना चाहता। तुम दोनों यहाँ से चले जाओ और कभी लौट कर मत आना। आई स्वेयर, अगर तुम दोनों में से कोई भी मुझे दिख गया तो मैं उसे मार दूंगा। मुझे ऐसा बच्चा नहीं चाहिए जो मुझे धोखा दे। चले जाओ मेरे किंगडम से। ये कहकर जान वुशियन को पुश करके खुद से दूर कर देता है। लाइकन, अपने बेटे को लो और यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूँ, उसके बाद तुम दोनों मुझे यहाँ दिखने नहीं चाहिए। जान ये कहकर रोते हुए वुशियन की तरफ अपना पीठ कर लेता है। मॉम, मुझे खुद से दूर मत करो, मैं डैडी के साथ नहीं रहना चाहता, मुझे यहाँ रहने दो। डैडी मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। वुशियन चिल्लाते हुए यीबो की पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। यीबो एक आखिरी बार जान की तरफ देखकर वहां से वुशियन को लेकर गायब हो जाता है। जान अपने बेड पर आकर अपने आंसुओं को बिना रुके बहने देता है। उसका बेटा उसे नहीं चाहता। अपने बेटे की सारी बातें उसके दिमाग में चल रही थी। तुमने मुझे क्यों बचाया? मैं मरना चाहता था। तुम मुझे मरने दे सकते थे। क्यों मुझे सब इतना दुख पहुंचाते हैं? क्यों मैं खुश नहीं रह सकता? जान हल्की आवाज़ में ये कहते हुए अपने दिल को छूता है, जहां उसे दर्द महसूस हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ यीबो वुशियन के साथ अपने किंगडम में पहुंचता है। शुयान का मेट जो वहां अपने बेटे के साथ घूम रहा था, उन्हें देखकर उनके पास आ जाता है। वुशियन अभी भी खुद को यीबो से छुड़ाने की कोशिश करते हुए जान के पास जाने की जिद करते हुए रोए जा रहा था। एम्फसबीना किंगडम में यीबो के शब्दों से वुशियन फौरन शांत हो जाया करता था, लेकिन इस वक्त उस पर यीबो की किसी भी बात का असर नहीं हो रहा था। सिस्टर इन लॉ, तुम बच्चों के साथ बहुत अच्छे हो, क्या तुम वुशियन की मदद कर सकते हो? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। वांग यीबो ये कहते हुए वुशियन को अपने सिस्टर इन लॉ के गोद में बिठा देता है। श्योर योर मैजिस्ट्री, ये कहकर शुयान का मेट वुशियन को अपने बाहों में भर लेता है। वुशियन, जो ऑलरेडी अब तक स्ट्रगल करते हुए थक चुका था, शुयान के मेट की सेंट को पाकर शांत होने लगता है। वो सिसकियां लेते हुए अपनी मॉम के पास जाने की रिक्वेस्ट करते हुए थोड़ी ही देर में सो जाता है। सिस्टर इन लॉ, तुमने ये कैसे किया? तुमने कुछ कहा भी नहीं और ये शांत हो गया? हाँ, क्योंकि मेरी सेंट किसी भी एल्फा को रिलैक्स फील करा सकती है। ये एक हाइब्रिड है, पर मेरी सेंट का असर इस पर भी हुआ है। शुयांग का मेट जवाब देते हुए वुशियन के बालों को सहलाता है, फिर वुशियन को यीबो के बेड पर सुलाकर अपने बेटे के साथ वहां से चला जाता है। जान, जो छुपकर अपने रोते हुए बेटे को देख रहा था, बाहर आने ही वाला था कि जैसे ही वो अपने बेटे को उस ओमेगा की गोद में शांत होते देखता है, रिलैक्स फील करता है और वहीं छुपकर अपने बेटे को देखता रहता है। आई एम सॉरी, मुझे ये करना पड़ा, पर तुम यहाँ अपने पिता के साथ ज़्यादा खुश रहोगे। अपनी मॉम को इसके लिए हेट मत करना। जान धीरे से ये कहकर वहाँ से गायब हो जाता है और वापस अपने किंगडम में पहुँच कर जान सिर्फ बैठकर अपने अकेलेपन और दर्द को खुद पर हावी होने देता है, जो उसे धीरे धीरे खाए जा रहा था। योर मैजिस्ट्री, मुझे लगा आप क्राउन प्रिंस को साथ लेकर वापस आओगे। जिनशा, जो जान का टॉनिक लेकर आया था, दुखी मन से पूछता है। यही अच्छा होगा कि वो मुझसे दूर रहे, मैं बहुत पथेटिक हूँ। 30 मिनट भी नहीं हुए थे और मैंने उनका पीछा किया ये देखने के लिए कि मेरा बेटा कैसा है। जान ये कहते हुए अपने आंसू पोंछता है। आप पथेटिक नहीं हो, आप क्राउन प्रिंस को
बहुत प्यार करते हो और उसकी परवाह भी करते हो। जिनशा कहता है, तुम जा सकते हो, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। जान ये कहकर अपनी आँखें बंद करके अंधेरे में खो जाता है। आज का दिन उसके लिए बहुत बड़ा था। आज एक दिन में ही उसने बहुत कुछ कर लिया था। वो अभी भी कमज़ोर था। वो अभी भी एक छोटा सा काम भी बिना थके नहीं कर सकता था। वहीं वुशियान जब उठता है तो खुद को अपने फादर के बाहों में पाता है। वो अपना सिर अपने डैड के चेस्ट पर लगाकर धीरे से कहता है, अब सिर्फ डैडी मुझे चाहते हैं। मॉम वुशियान से हेट करते हैं क्योंकि मैंने उन्हें हर्ट किया और उन्हें गुस्सा दिलाया। ये कहते हुए वुशियान फिर से रोने लग जाता है। यीबो जो अभी भी जगा हुआ था उठकर बैठ जाता है और वुशियान को अपनी गोद में बिठा कर कहता है, बेबी मॉम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, वो तुमसे नफरत नहीं कर सकते। ये कहकर यीबो अपने बेटे के फोरहेड पर किस करता है। पर मॉम ने कहा था कि वो अब मुझे कभी भी देखना नहीं चाहते और अगर कभी देखा तो वो मुझे मार देंगे, वुशियान कहता है, क्योंकि उसे अपने डैडी की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो थोड़े समय के लिए अकेला रहना चाहते हैं। जब वो तैयार होंगे तो तुमसे मिलने आएंगे और अपने साथ तुम्हें वापस ले जाएंगे। ये सुनकर वुशियान मुस्कुरा देता है। उसकी आंखें उम्मीद से चमकने लगती है कि एक दिन उसकी मॉम आकर उसे ले जाएंगे तो ये बहुत अच्छी बात है उसके लिए। वो एक अच्छा बच्चा बनेगा और अपनी मॉम की सारी बात मानेगा। ये सोचकर वुशियान कहता है, डैडी मुझे भूख लगी है, मैं बहुत सारा खाना खाना चाहता हूँ ताकि मैं जल्दी से बड़ा और स्ट्रॉन्ग बॉय बन जाऊँ। वुशियान जो अब पूरी तरह से रिलैक्स दिख रहा था, वो ये सुनकर अपने बेटे के साथ किचन की तरफ चला जाता है। लाइकन आज से पहले कभी किचन में नहीं गया था, इसलिए उसे वहाँ देखकर सब डर जाते हैं कि शायद उनमें से किसी से कोई गलती हो गई होगी और लाइकन उन्हें खुद वहाँ सजा देने आया है। जैसे ही सबकी नज़र लाइकन के हाथ थामे उस बच्चे पर पड़ती है, वहाँ सभी कांपने लगते हैं क्योंकि वो दिखने में क्यूट था लेकिन उसकी वाइब बहुत खतरनाक थी। वुशियान पूरे किचन में नाचते हुए खाने की चीज़ों को छुए जा रहा था और वो क्या क्या खाना चाहता है बता रहा था। ये वो मेट को कहकर दोनों का खाना वहीं लगाने को कह देता है और अपने बेटे के नॉटी हरकतें देखकर खुश होता है। सारी मेड्स उस बच्चे को देखकर हैरान थी कि ये लाइकन को डैडी क्यों बुला रहा है। लाइकन के सारे बेबीज तो होने से पहले ही मारे जा चुके हैं तो ये कहाँ से आया। सबकी नज़रें वुशियान पर ही थी। ये वो ज़्यादा नहीं खाता क्योंकि अपने बेटे को खाना इंजॉय करता देख उसका पेट खुशी से भर गया था। जब तक उसका बेटा वहाँ ऐसे खुश रहेगा उसके लिए अच्छी बात है क्योंकि तब तक जान भी शांत हो जाएगा। ये वो बाद में जान को जाकर चेक करने का सोचता है कि वो अब कैसा है। डैडी खाना बहुत अच्छा है, मैं रोज़ चिकन खाना चाहता हूँ लेकिन बाद में मैं वुल्फ्स हंटिंग के लिए जाऊँगा और उन्हें खाऊँगा, वुशियान खुश होते हुए बोलता है। मेट्स जो वहाँ काम कर रही थी ये सुनकर डर से चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाती हैं। ये वो एक गहरी सांस भरते हुए वुशियान से कहता है, अगर तुम्हें कभी भी रॉ मीट खाने का मन हुआ तो तुम मुझे बताओगे लेकिन किसी भी वुल्फ को नहीं मारोगे, ओके। वुशियान हाँ में सिर हिलाते हुए सोचता है कि ये सारी मेड्स डर कर क्यों भाग गई। ये वो और वुशियान जब किचन से बाहर आते हैं तो थोड़ी ही दूर पर वुशियान को कुछ बच्चे खेलते हुए दिखते हैं। वो उनके पास जाकर उनसे दोस्ती करने की कोशिश करता है क्योंकि उसे याद था कि उसके अंकल जिनशा ने कहा था कि जितने ज़्यादा दोस्त होंगे उसे उतना ही ज़्यादा फन करने को मिलेगा। वुशियान की दोस्ती उनसे होती है तो दोस्ती को इंजॉय करने के लिए वुशियान उन्हें किचन में ले जाकर बहुत सारा खाना खिलाता है। ये वो ये सब दूर से देख रहा था और ये सब देख कर वो बहुत खुश होता है कि उसका बेटा इतनी अच्छी तरीके से सबसे खुलने मिलने लगा है। तो फिर वो जान को जाकर चेक करने का सोचता है क्योंकि इसमें ज़्यादा समय नहीं लगने वाला था। वो बस जाएगा और जान को चेक करके फौरन वापस आ जाएगा। तो गाइस आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन भी आपको पसंद आया होगा।
मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मैं ये देख रही हूँ कि काफ़ी लोग अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ गाइस, मुझे आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत मोटिवेशन मिलता है और आपके थॉट्स का भी पता चलता है कि आप सीरीज़ को लेकर क्या सोच रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो आज का, तो प्लीज़ एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। मैं जल्द वापस लौटूंगी नए वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।